सेम क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव बीन टोल्ड टू यू इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 यू हैव टू फाइंड द टर्म इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज देयर फॉर 4 मार्क्स फॉर बोर्ड नाउ व्हाट यू विल डू 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना तो क्या लिखेंगे हम लोग लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी क्या आएगा इट विल बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा क्या आएगा बीच में आएगा ए राइट हैंड साइड में आएगा ए प्लस डी और ए का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए माइनस डी सो दीज आर योर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स And in that only, they have told you, sum of 3 consecutive terms is 27. यानी यहां से यहां तक ही पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सम ऑफ 3 consecutive terms is 27. So, according to given condition, comma, sum का मतलब क्या होता है टोटल तीनों को प्लस करने का है तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू वॉट 27 सो ए वेन यू ओपन द ब्रैकेट हियर देयरफॉर ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू वॉट 27 नाउ हियर क्या कट होने वाला है माइनस डी एंड प्लस डी इज गोइंग टू कट हियर तो हमारे पास कितने ए आएंगे हमारे पास आएंगे ए 1 2 3 तो फिर 3a इज इक्वल टू 27 Therefore, A का क्या वैल्यू होगा 27 ये 3 मल्टीप्लाई है इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ A एज व्हाट 9 जब A का वैल्यू 9 आया बाद में क्या करेंगे इसका नेक्स्ट क्या कंडीशन है वो देखते हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम तो हम क्या करेंगे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504 करेक्ट बिकॉज इट इज गिवन टू अस तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे क्या है a माइनस डी एंड हियर इज व्हाट a प्लस डी इट इज सिमिलर टू द आइडेंटिटीज x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये दो का क्या होएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी विल बी व्हाट ए स्क्वायर माइनस डी इंटू डी विल बी डी स्क्वायर और ये दोनों को क्या मल्टीप्लाई होता है a मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू 504 करेक्ट नाउ व्हाट विल बी गेटिंग हियर कि हियर a व्हाट वी कैन पुट ऑन द वैल्यू ऑफ a हियर और वी कैन आइदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हियर What I will be doing here, I will be putting the value of a here as 9. Therefore, a square minus b square multiplied by 9 is equal to 504. Barabar hai. So, here I will be writing down here because a ka value kitna aaya tha 9. Therefore, a square minus b square is equal to 504. दिस मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड सो आई विल डिवाइड इट हियर 9 वन जा 9 9 5 जा 45 करेक्ट सो 50 में से 45 गया तो हाउ मच है इट इज रिमेनिंग 5 सो 5 एंड 4 इज 54 सो इट विल बी व्हाट 6 9 जा 54 सो माय आंसर विल बी व्हाट 56 करेक्ट नाउ हियर देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 आई गॉट इट हियर एज 56 तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा वापिस ए का वैल्यू इज इक्वल टू 9 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ देयरफॉर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 56 नाउ व्हाट वी डू हियर 9 स्क्वायर इज हाउ मच 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56
प्लस 81 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस 81 देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इट विल बी एंड टू 25 इट विल बी सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हियर इट विल बी माइनस 25 बिकॉज 81 नंबर बड़ा है उसका साइन माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस सो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है आई एम गेटिंग योर व्हाट देयरफॉर डी इज इक्वल टू व्हाट आई विल टेक या प्लस और माइनस 5 रीजन आई विल राइट या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करेक्ट सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एज व्हाट वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एज 9 एंड डी एज प्लस 5 और माइनस 5 तो हमारे पास डी का वैल्यू 2 आता है नाउ व्हाट विल डू हियर वी हैव टू फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इसका a माइनस डी a और a प्लस डी तो उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने का सो वी राइट हियर व्हाट कि व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 5 एंड a इज इक्वल टू 9 जब d का वैल्यू प्लस 5 अगर हम लोग लेंगे और a का वैल्यू 9 लेंगे तो हम लोग का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या रहेगा थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी हियर व्हाट इज द ए माइनस डी ए माइनस डी का मतलब होता है ए का वैल्यू कितना था 9 सो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड ए इज व्हाट ए इज 9 एंड ए प्लस डी इज व्हाट हियर 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 सो आवर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी 4, 9 एंड 14 या वेन डी का वैल्यू अगर 5 रहेगा तो अगर वेन डी इज इक्वल टू माइनस 5 अगर डी का वैल्यू माइनस 5 लेते हैं हम लोग एंड ए इज इक्वल टू 9 क्योंकि हमारे पास डी का दो वैल्यू आया था प्लस 5 और माइनस 5 जब स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालते तो प्लस 5 का आंसर 3 आ गए अभी माइनस 5 डी का वैल्यू लेते हैं तो ए माइनस डी विल बी व्हाट a माइनस डी इज इक्वल टू ए का क्या वैल्यू था 9 माइनस डी वैल्यू इज व्हाट माइनस 5 सो 9 माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस सो हियर इट विल बी 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 वैसे a का वैल्यू होगा 9 एंड a प्लस डी विल बी अगेन यहां a वैल्यू इज व्हाट a वैल्यू है हमारा 9 बंद प्लस साइन है डी का क्या वैल्यू है डी का वैल्यू हमारे पास माइनस 5 सो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस सो 9 माइनस 5 इज व्हाट 4 ये किसका वैल्यू है जब हम लोग डी का वैल्यू माइनस 5 लेते हैं और ए का वैल्यू 9 लेते हैं जब हम लोग डी का वैल्यू प्लस 5 लेते हैं और ए का वैल्यू 9 लेते हैं तो हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स इज व्हाट 4 9 एंड 14 इफ आई टेकिंग डी वैल्यू इज माइनस 5 एंड ए इज 9 तो हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स है 4 14 9 एंड 4 सो व्हाट वी डू हियर वी राइट ऑन द फाइनल आंसर नाउ द फाइनल आंसर इज व्हाट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर व्हाट इज द फर्स्ट नंबर वी गॉट हियर 4 9, 14 और इट विल बी 14, 9 एंड 4 सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड इफ यू राइट डू इट सिस्टमेटिकली यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स हियर वेरी इजी सब्जेक्ट वॉज ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू बाइंड इट आउट दिस 3 कंसेक्यूटिव टर्म जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म अगर दिए रही है तो बीच में क्या करने का यू टू पुट द वैल्यू एज ए राइट हैंड साइड में यू टू पुट ए प्लस डी लेफ्ट हैंड साइड में यू टू पुट ए माइनस डी द
दैट्स इट। अगर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे आर गिवन यू फाइंड द फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एएमपी जिसका सम है 12 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। क्या दिया हुआ है? चारों का टोटल है 12 और तीसरा टर्म और चौथा टर्म मिला के उसका टोटल वैल्यू होता है 14 और ये रहेगा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। लेट द फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स बी व्हाट इट विल बी, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में लिखे थे a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, द सेम थिंग विल बी देयर फॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेकिन a प्लस डी के बाद विल बी राइटिंग व्हाट a प्लस 2d। समझ में आया? यहाँ पे आया a, यह सेकेंड टर्म में a, थर्ड टर्म में क्या किया हम लोग ने a प्लस 1d किया, बाद में नेक्स्ट टर्म में क्या किया हम लोग ने a प्लस 2d और यहाँ पे क्या किया हम लोग ने a माइनस डी। गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे हमारा फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a करके, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या रहता है a प्लस टी वन प्लस डी, तो हो गया a प्लस डी, बाद में क्या हो गया हियर इट विल बी a प्लस 2d हियर इट विल बी, और वी कैन से लाइक t2 plus d यानी क्या a प्लस डी, तो प्लस डी विल बी a प्लस 2d एंड हियर इट विल बी a माइनस डी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे a लिखो, राइट हैंड साइड में लिखो a प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो a माइनस डी, राइट हियर a प्लस 2d। Now what we do here, we see that their sum is, their sum is 12. Sum ka matlab kya tha total? Tum log likhenge therefore a minus b plus a plus d and here it will be plus a plus 2d is equal to 12. उनका टोटल 12 दिया हुआ है, तो हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सो व्हाट इज गेटिंग कटेड हियर, माइनस डी प्लस डी कट हो गया, सो हाउ मच a एम रिमेनिंग इट विथ 1 2 3 4, सो मेरे पास आया 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देयरफॉर 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। 4a को भी 2 से डिवाइड किया तो हो गया 2a, 2d को 2 से डिवाइड किया तो हो गया 1d, 12 को भी 2 से डिवाइड किया तो हो गया 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, राइट हियर सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज हाउ मच गिवन, इज 14। सो हमारा थर्ड टर्म क्या हो गया, इट विल बी ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज व्हाट a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14, करेक्ट। सो हियर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। नाउ a प्लस a इज हाउ मच, 2a, देयरफॉर 2a प्लस 1d प्लस 2d इज हाउ मच 3d इज इक्वल टू 14। This will be my equation number 2. If I see carefully here, equation number 1 में क्या है, यहाँ पे 2a है, और equation number 2 में क्या है, यहाँ पे भी plus 2a है, यहाँ पे भी plus 2 है, यहाँ पे भी plus 2 है, तो हम क्या करेंगे, we'll subtract. So write here, subtracting equation 1 from equation 2.
सो वी राइट द फर्स्ट इक्वेशन नंबर टू. क्या है हमारा इक्वेशन नंबर टू? 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14. और इक्वेशन नंबर वन के है 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. यहां 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. वेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग यहां तो क्या आएगा? नीचे का सब साइन चेंज हो जाएगा. प्लस 2a का माइनस 2a, प्लस d का माइनस d, प्लस 6 का माइनस 6. नाउ 2a माइनस 2a इज गेटिंग कैंसल्ड हियर. सो 2a माइनस 2a 0. 3d माइनस d इज हाउ मच? 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज हाउ मच? 8. देयरफॉर d इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. सो वी आर गेटिंग व्हाट? द वैल्यू ऑफ d इज 4 हियर. जब हम लोग को d का वैल्यू 4 मिला तो हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे और a का वैल्यू लोग फाइंड करेंगे. तो राइट यू पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1? 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. देयरफॉर 2a प्लस d का कितना वैल्यू आया था हमारे पास? 4. सो लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 6 प्लस 4 यहां पे आएगा तो माइनस 4. तो 6 माइनस 4 इज हाउ मच? 2. सो 2a का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू क्या आएगा? 2 अपॉन 2 1. देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड d रिस्पेक्टिवली. नाउ वी कैन गेट द टर्म्स हियर. सो द 4 terms of an AP is what it is first? A minus D is equal to A का कितना वैल्यू आया था हमारे पास? 1. So 1 minus D का वैल्यू आया था 4. It will be minus 3. बाद में क्या है? A. A is equal to we got it as 1. बाद में A plus D. A plus D is how much? 1 plus 4 is 5. Then A plus 2D is equal to 1 plus 2 multiplied by 4. D ka value 4 hai iske liye. So it will be what? 1 plus 8 is equal to 9. So write down the final answer. The 4 terms of an AP is what are they? Minus 3, comma 1, comma 5 and 9. So this is how we have completed question number 8 here of practice set number 3.3. This question was very much easy. Question number 7 or question number 8 is there for 4 marks. Only the thing was that यहाँ पे 4 consecutive terms था जहाँ पे हम लोग लिखा a minus d, a plus d and a plus 2d. In question number 7 it was a minus d, a and a plus d. Rather all was same here. Whatever some I have been explained to you, I have explained you in a very simple manner. Please share my video to everybody and please subscribe it. Thank you for watching it. एंड प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट. ये कोरा सम्स आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.